नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, स्वागत है तमारू YouTube चैनल नी अंदर। धोरण 10 नी अंदर हिंदी विषय में पाठ छठो आवे छे, कालिदास का प्राणी प्रेम। पाठ नो प्रकार छे गद्य अने पाठ आपेलो छे मोहन राकेश। तो पाठ ने लगता जे कई सादे पोथी ना दरेक नाना मोटा प्रश्न जवाब छे नी आपणे चर्चा करशु, जे मोस्ट टाइम पी प्रश्न परीक्षा में पण तमने उपयोगी थाय। आवा घणा बधा विडियोस छे चैनल में मुकाई गया छे, अने जोवे तो जोई लेजो अने आवनारी परीक्षा नी पण तैयारी करता रहेजो। हवे विभागे थी शुरुआत करिए गद्य आधारित प्रश्नों जवाबों, जेमा पहलो प्रश्न सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जेमा पहलू कालिदास का प्राणी प्रेम इस नाटक में खाली जगह के प्रति प्रगाढ़ प्रेम व्यक्त हुआ है, तेना जवाब में आवशे वन्य प्राणियों। बीजू एक बाण प्राण ले सकता है तो खाली जगह का कोमल स्पर्श प्राण दे भी सकता है, तो एना जवाब में आवशे उंगलियों। त्रीजू कालिदास ने हरिण को खाली जगह पिलाया, तो जवाब में आवशे दूध। चौथु मल्लिका की माँ को खाली जगह की चिंता रहती है, तो जवाब में आवशे अपवाद। पांचवु हरिण सावक खाली जगह के बाणों से घायल हुआ, तो जवाब में आवशे दंतुल। छठू जो अंबिका खाली जगह की, तो जवाब में आवशे मल्लिका। सातवु छे कालिदास खाली जगह भाषा के भवित, तो जवाब में आवशे संस्कृत। बीजो प्रश्न छे सही सीमा लिखित विधान पूर्ण दंतुलो क्या की के साथ जगह से अशिष्टता का व्यवहार किया था, जवाब में ब ऑप्शन। बीच अंबिका रुष्ट थी क्योंकि, एना जवाब में आवशे पुत्री मल्लिका वर्षा में कालिदास के साथ थी, तो जवाब में क आवशे। त्रीजू छे यदि दंतुल कालिदास के क्षेत्र का निवासी होता तो वह खाली जगह, तो एना जवाब में आवशे क ऑप्शन, हरिणों का शिकार न करता। चौथो हरिण शावक को पाना कालिदास के लिए खाली जगह, तो जवाब में आवशे ब ऑप्शन, संवेदना का प्रश्न था। तीजो प्रश्न निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। जेमा पहलू हरिण सावक इनमें से किसके बाद से हुआ था, तो जवाब में सी आवशे दंडल। बीजो प्रश्न कालिदास हरिण सावक के अंगों पर खाली जगह का लेप लगाना चाहता है, तो जवाब में आवशे डी ऑप्शन ध्रुत। त्रीजू मेरी वेशभूषा ही इस बात का परिचय देती है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ, तो जवाब में डी आवशे दंतुल, बी आवशे दंतुल कालिदास से। चौथे उज्जैयिनी की राज्य भाषा का प्रत्येक व्यक्ति कालिदास को किस लिए है, तो जवाब में आवशे ऋतुसार के लिए। प्रश्न नंबर चार निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। जेमा पहलू कालिदास कौन थे, तो जवाब में आवशे कालिदास संस्कृत भाषा के महान साहित्यकार थे। बीजू हिरण सावक किसके बाणों से घायल हुआ था, तो जवाब में आवशे हिरण सावक दंतुल के बाणों से घायल हुआ था। त्रीजू कालिदास हिरण को कहाँ ले गए, तो जवाब में आवशे कालिदास हरिण सावक को मल्लिका के घर ले गए। चौथो अंत में दंतुल के कालिदास को कैसे पहचाना, तो जवाब आवशे मल्लिका द्वारा परिचय पाकर दंतुल ने कालिदास को पहचाना। पांचवो प्रश्न निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो तीन वाक्य में लिखिए। जेमा पहलू माँ के रुष्ट होने के पीछे मल्लिका क्या अनुमान करती है, तो जवाब आवशे मल्लिका कालिदास के साव बरसात में बाहर गई थी, इसलिए वह बुरी तरह भीग कर घर लौटी थी। मल्लिका अनुमान करती है कि उसकी माँ के होने का यही कारण। बीजो प्रश्न दंतुल कौन था, वह मल्लिका के घर कैसे पहुंचा, तो जवाब आवशे दंतुल उज्जैयिनी राज्य का राजपुरुष के घायल था, घायल की गोद में था, कालिदास उसे लेकर मल्लिका के घर आ गए थे। रास्ते में हरिण सावक के टपकते खून को देखते हुए राजपुरुष दंतुल अपने शिकार को खोजते हुए मल्लिका के घर पहुंचा था। त्रीजो प्रश्न मल्लिका ने दंतुल को हरिण सावक के लिए हट न करने के लिए क्यों कहा, तो जवाब छे दंतुल कालिदास से घायल हरिण सावक लेने पर अडा हुआ था। मल्लिका ने दंतुल से कहा कि तुम्हारे लिए घायल हरिण सावक को पाना अधिकार का प्रश्न है, जबकि कालिदास के लिए उसे न देना संवेदना का प्रश्न है। अधिकार के प्रश्न से संवेदना का प्रश्न अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए मल्लिका ने दंतुल को हरिण सावक के लिए हठ न करने के लिए कहा। चौथा कालिदास दंतुल को अपराधी न मानने के लिए क्या तर्क देते हैं, जवाब छे राजपुरुष दंतुल ने जिस क्षेत्र में हरिण सावक का आखेट किया था उसे क्षेत्र में हरिणों का आखेट करना मना था। राजपुरुष दंतुल बाहर से आया था, इसलिए उसे यहाँ के नियम की जानकारी नहीं थी। कालिदास दंतुल को हरिण सावक का आखेट करने के लिए अपराधी न मानने के लिए यह तर्क देते हैं। पांचवा प्रश्न है उज्जैयिनी की राज्य भाषा कवि कालिदास का सम्मान किस तरह करना चाहती है,
અને જવાબ આવશે ઉજ્જૈનની કે રાજ્ય ભાષા કા પ્રત્યેક વ્યક્તિ ઋતુસ્વાર કે લેખક કવિ કાલિદાસ કો જાનતા હૈ સમ્રાટને સ્વયં ઋતુસ્વાર પઢા હૈ ઓર ઉસકી પ્રશંસા કી હૈ ઇસલિયે ઉજ્જૈનની કી રાજ્ય ભાષા કવિ કાલિદાસ કા સન્માન દેકર ઉને સન્માનિત કરના ચાહતી હૈ છઠ્ઠો પ્રશ્ન નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો કે ઉત્તર ચાર પાંચ વાક્યમાં લિખીએ જેમાં પહેલું ઘાયલ હરિણ શાવક કો બચાને કે લિયે કાલિદાસ ને ક્યા ક્યા કિયા જવાબ છે રાજપુરુષ દંતુલ કે બાણ સે ઘાયલ હોકર હરિણ શાવક અપની જાન બચાને કે લિયે કુલાચે ભરતા હુઆ કાલિદાસ કી ગોદ મેં આ ગયા થા તબ કાલિદાસ ને ઉસે અપની ગોદ મેં સમેટ કર ઇસકે ઘાયલ બદન કો સહલાતે હુએ ઉસે તરહ તરહ સે સાંત્વના દી થી ઠીક ઉસી તરહ જૈસે વે કિસી ઘાયલ બચ્ચે કો મુંચકાર કર ધીરજ બંધા રહે હો મલિકા કે ઘર ઉન્હોને ઉસે દૂધ પીલાયા જિસસે ઉસે રાહત મિલી મલિકા કે ઘર ઉન્હોને ઉસે રાજપુરુષને હરિણ શાવક કો અપની સંપત્તિ બતાતે હુએ કાલિદાસ સે ઉસે સોંપ દેને કા હઠ કિયા તો કાલિદાસ ને સ્પષ્ટ શબ્દો મેં ઉસે જવાબ દે દિયા કી इस क्षेत्र में खाटे आखेटे नहीं होता और वह हरिण शावक पार्वतीय भूमि की संपत्ति है। कालिदास अंत में राजपुरुष की परवाह नहीं करते और घायल हरिण शावक को अपने साथ लेकर अपने घर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। इस प्रकार कालिदास ने हरिण शावक को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया। बीजो प्रश्न है कालिदास हरिण शावक को क्यों बचाना चाहते थे तो जवाब है कालिदास एक संवेदनशील व्यक्ति थे। उनके हृदय में प्राणियों के प्रति बहुत प्यार था। वे उस पार्वतीय भूमि के निवासी थे जहां लोग पशु पक्षियों को अपने में से अर्थात अपने मित्र मानते थे। कालिदास के क्षेत्र में हरिणों का आखेट अपराध माना जाता था। आहत हरिण शावक को देखकर वे स्वयं आहत थे और उसे हर हालत में जीवित रखने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने राजपुरुष दंतुल से स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि यह घायल हरिण शावक उनकी पार्वतीय भूमि की संपत्ति है। वह यह सोचकर भूल कर रहा है कि वे इसे उसे सौंप देंगे। इन पंक्तियों में से प्राणियों के प्रति कालिदास के प्रगाढ़ प्रेम का पता चलता है। जिस व्यक्ति के मन में प्राणियों के प्रति इतना प्रेम हो वह एक घायल हरिण शावक की जान बचाना क्यों नहीं चाहेगा। मुख प्राणियों की रक्षा करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है, इसलिए कालिदास हरिण शावक की जान बचाना चाहते थे। सातवां प्रश्न निम्नलिखित कथनों का आशय स्पष्ट कीजिए। जेमा पहलू तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उनके लिए संवेदन का। तो जवाब से शिकारी व्यक्ति और किसी की जान बचाने वाले दानों में बहुत फर्क होता है, दोनों में बहुत फर्क होता है। शिकारी को शिकारी करने करके किसी के प्राण लेने में कोई झिझक नहीं होती, बल्कि वह इसे अपनी बहादुरी और मनोरंजन के रूप में लेते दिखाते हैं देखता है और वह शिकार करना अपना शौक मानता है और शिकार पर अपना अधिकार मानता है। पर संवेदनशील व्यक्ति का किस प्राणी को देखकर द्रवित हो उठता है, वह उसका प्राण बचाने के लिए अपनी जान लगा देता है। अधिकार जताने वाला व्यक्ति प्राण लेने पर खुश होता है, जबकि संवेदनशील व्यक्ति किसी की जान बचाकर खुश होता है। यदि कोई किसी को तो उसे किसी का प्राण लेने का भी अधिकार नहीं। बीजो हरिण साहब इस पार्वती भूमि की संपत्ति है, राज पुरुष उससे और इसी पार्वती भूमि के निवासी हम इसके सजातीय है। तो जवाब था पार्वती क्षेत्र में मनुष्य और पशु पक्षियों में कोई अंतर नहीं है, दोनों प्राणधारी है और घायल होने पर दोनों ही दर्द होता है। इसलिए पार्वती भूमि में मनुष्य और पशु पक्षी में सजातीय रिश्ता है। इस भूमि में जैसे मनुष्य को मानना अपराध है, ठीक उसी तरह पशु पक्षियों को मानना भी अपराध है। इस क्षेत्र में कोई व्यक्ति पशु का शिकार कर उसे अपनी संपत्ति जताना चाहे तो यहाँ के निवासियों को यह कदापि बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए कालिदास राजपुरुष दंतुल से यह वाक्य कहते हैं भारतीय भूमि के पशु पक्षी की जान बचाने के लिए इस क्षेत्र के लोग अपनी जान लगा देते हैं, क्योंकि विन है अलग विभाग सी ने आधार प्रश्न जवाब जो व्याकरण आधारित प्रश्नों छे। जेमा पहलो प्रश्न निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। जेमा पहलू व्यंग्य से भरा हुआ है, आवश्यक व्यंग्यात्मक। बीजू जिसके पास शस्त्र न हो ना आवश्यक निशस्त्र। त्रीजू राजभाषा का कवि, राजकवि। चौथु तलवार का हाथ में रखने वाला भाग, इन्हें कहे मुठ।
પાંચમું ચોકડી ભરના એને કહેવાય કુલાંચ, છઠ્ઠું શેક્ષર હો એને કહેવાય પર્યાપ્ત, સાતમું પશુકા બચ્ચા એને કહેવાય શાવક, આઠમું પીછે 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 ચલના એને કહેવાય અનુસરણ, નવમું હસ્તરેખા કી વિદ્યા એને કહેવાય સામુદ્રિક, દસમું જીસકે પાંચ શસ્ત્ર હોય એને કહેવાય સશસ્ત્ર. બીજો પ્રશ્ન, નિમ્નલિખિત સંધિ કો છોડીએ, જેમાં પહેલું નિસંદેહ, ની વત્તા સંદેહ, બીજું દુર્લભ, દુસ એટલે દુઃ વત્તા લભ, ત્રીજું નિષ્પ્રાણ, નિસ વત્તા પ્રાણ, ચોથું નિર્દોષ, ની વત્તા દોષ. ત્રીજો પ્રશ્ન છે, નિમ્નલિખિત શબ્દો કે વિરોધી શબ્દ લખીએ, જેમાં વિરોધી શબ્દ જોઈએ, દક્ષિણનું ઉત્તર, રૂષ્ટનું પ્રસન્ન, શીઘ્રનું વિલંબ, મિલનનું બીછો, નિશસ્ત્રનું સશસ્ત્ર, આવશ્યકનું અનાવશ્યક. ચોથો પ્રશ્ન, નિમ્નલિખિત શબ્દો કે શબ્દ લખીએ તો પર્યાવત જોઈએ, હરિણનું મૃગ, આહતનું ઘાયલ, બર્તનનું પાત્ર, હઠનું જીભાણું તીર, આકેટનું શિકાર, અપરાધીનું દોષી, પર્યાપ્તનું કાફી. પાંચમો પ્રશ્ન, નિમ્નલિખિત શબ્દો કે ભાવવાચક સંજ્ઞા લખીએ, કોમલનું કોમલતા, બહુતનું બહુતાયત, રૃષ્ટકારનાનું પૂચકાર, જીનાનું જીવન, ઘૂમનાનું ઘુમાવ, વ્યક્તિનું વ્યક્તિત્વ, દૂરનું દૂરી, નિકટનું નિકટતા, માતાનું માતૃત્વ, પશુનું પશુતા, પુરુષનું પુરુષતા. છઠ્ઠો પ્રશ્ન, નિમ્નલિખિત શબ્દો કે કર્તૃવાચક સંજ્ઞા લખીએ, કર્મનું કર્મચારી, દૃષ્ટનું દ્રષ્ટિનું દ્રષ્ટા, પ્રશ્નનું પ્રાશ્નિક, પ્રશંસાનું પ્રશંસક, નિવાસનું નિવાસી, વ્યંગ્યનું વ્યંગ્યકાર, નિર્ણયનું નિર્ણાયક, અભ્યાસનું અભ્યાસી, અપરાધનું અપરાધી, લેખનનું લેખક, પીડાનું પીડક, ચિંતાનું ચિંતક, ચોરીનું ચોર, આકેટનું આખેટક. સાતમા પ્રશ્ન, નિમ્નલિખિત શબ્દો કેવી વિશેષણ સંજ્ઞા લખીએ, શરીરનું શારીરિક, ગામનું ગુમાર, પ્રદેશનું પ્રાદેશિક, પીડાનું પીડિત, અકસ્માતનું આકસ્મિક, વ્યંગ્યનું વ્યંગ્યાત્મક, નિર્ભરનું નિર્ભીત, પર્વતનું પર્વતીય. આઠમા પ્રશ્ન, નિમ્નલિખિત સમાસ કો પહોંચાનીએ, અનુસરણ અવયવી ભાવ સમાસ, હિરણ શાવક તત્પુરુષ સમાસ, પ્રતિદિન અવયવી ભાવ સમાસ, નિશસ્ત્ર કર્મધારી સમાસ, રાજ્યસભા તત્પુરુષ સમાસ, કાલિદાસ તત્પુરુષ સમાસ, ગામવાસી તત્પુરુષ સમાસ, રાજકવિ તત્પુરુષ સમાસ. તો વિદ્યાર્થી મિત્ર, આ પાઠને લગતા સૌથીના નાના મોટા દરેક પ્રશ્ન જવાબ, વ્યાકરણના પ્રશ્નો પણ આપણે જોયા છે, એમાંથી ઘણા બધા મોસ્ટ એમ્પી પ્રશ્ન પરીક્ષામાં પૂછાશે, તો એ ઉપયોગી પણ થાય તમને વિડીયો તરીકે. આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો અને તમારા મિત્રો પણ વિડીયો શેર કરજો, સાથે ચેનલને જે સબસ્ક્રાઈબ ન કરી તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. હવે નવા નવા વિડીયો છે ચેનલ પર મુકાતા રહે છે, નવા વિડીયો મળીએ ત્યારે જોઈ લે મારી કાર્ડ.